एरवी पोलीस घटना झाल्यावर पोहोचतात असं नेहमीच म्हटलं जातं, मात्र आता घटना घडताच त्या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी औरंगाबाद पोलीस तंत्रज्ञानाची मदत घेणार आहेत आणि होणाऱ्या घटनांवर आकाशातून नजर ठेवणार आहेत। पाहूयात काय आहे हा प्रकार। आकाशात उडणारा हा ड्रोन आता औरंगाबाद पोलिसांसाठी काम करणार आहे। पोलिसांच्या ताफ्यात नव्याने अत्याधुनिक अशा 3 ड्रोनचा समावेश झालाय। हे ड्रोन घटना घडताच तातडीनं घटनास्थळी पोहोचू शकतील आणि घडणाऱ्या घटना तातडीनं आपल्या कॅमेऱ्यात कैदही करू शकतील। ड्रोनच्या सहाय्याने पोलीस मोर्चा, रॅली तसंच विविध कार्यक्रमांवर आकाशातून लक्ष ठेवणार आहेत। इस टेक्नोलॉजी को हम लोग अब पुलिस के वर्क में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, जिससे कि कहीं पर रॉबरी हो रही हो, डकॉइटी हो रही हो, तो हमारा ड्रोन तुरंत वहां पहुंच के जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन मिले, गाड़ी को पहुंचने में टाइम लग सकता है और कई बार हम लोग लाइव इमेज ऐसे क्राइम की ले सकते हैं। यदि किसी ने कानून को अपने हाथ में लिया तो उसकी फोटोग्राफ्स के साथ, उसके पुरावे के साथ उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। फक्त लक्ष ठेवणंच नाही तर जमाव भडकल्यास आणि काही अनपेक्षित घटना घडत असल्यास हे ड्रोन हवेतून तिखटाचा मारा सुद्धा करू शकणार आहेत। खास आर्मीकडून हे तिखट मागवण्यात येणार आहे। दिल्लीतील तंत्रज्ञ या संदर्भातील खास प्रशिक्षण पोलिसांना देणार आहेत। अप टू 7 फीट ग्राउंड से, मतलब 7 फीट तक वो ड्रोन चला जाएगा और उसके बाद वो 1 किलोग्राम मिर्ची पाउडर लोगों के ऊपर डाला जा सकता है। और ये मिर्ची पाउडर नॉर्मल मिर्ची पाउडर नहीं होगा, इसको हम BSF एकेडमी से मंगा रहे हैं, जो कि बहुत ही कंसंट्रेटेड लैब में बना हुआ चिली पाउडर है, जिसकी एक कण भी यदि व्यक्ति के श्वास में या उसकी आँख में चला जाएगा तो वो व्यक्ति 4-5 घंटे के लिए निष्क्रिय हो जाएगा, कोई भी आंदोलन कर नहीं पाएगा। गुन्हेगार हायटेक होता है, त्यामुळे काळानुसार पोलिसांना सुद्धा हायटेक व्हावंच लागणार आहे। त्यामुळे औरंगाबाद पोलिसांनी उचललेलं हे हायटेक पाऊल गुन्हेगारी कमी करण्यात यश मिळेल हीच आशा। विशाल करोळेसह ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया, औरंगाबाद। झी 24 तास, रहा एक पाऊल पुढे।